वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अपार बख्शी सदका, मरण की इलाही बाणी के फुरमान असीं नित गुरु घर तो स्पीकरा तो नित सरवण करते हैं। महाराज हर समय जड़ा है सानू साडे जीवन में अगांह वधू उपदेश बख्शिश करते हैं, साडी जिंदगी सुचज्जा बनाउण दा उपदेश महाराज बख्शिश करते हैं। असी इंसान हाँ, हर एक इंसान के अंदर एक भुख छिपी होंदी है, कोई किसी ना किसी प्रकार की भुख जिहड़ी है साडे अंदर पई है। तो ये भुखां जिहड़ियां ने कई बार सानू चिंता तुर कर दिंदियां ने। ये जिहड़ी चिंता है महाराज कहिंदे असल विच चिंता उस गल की करी दी है जिस गल की जिहड़ा है साडे नाल कोई अणहोनी वापरी होवे। महाराज ने तो इत्थों तक वचन किया है, महाराज कहिंदे ना कर चिंत चिंता है करतै। महाराज कहिंदे तैनू किसी भी गल की चिंता करन की लोड़ नहीं है, जो साडे भागां विच है जो मालक ने सानू देना है वह साडे हिस्से का कोई सातो खो नहीं जे सकता, अते जो किसी के हिस्से का है वह असी नहीं जे खो सकते। गुरबाणी ने महाराज जी ने इस गल नू जिहड़ा है कथन किया है कि ना कर चिंत चिंता है करते, तो रोजी रोटी की चिंता ना कर, किसी गल की चिंता ना कर। जिहड़ा परमेश्वर है जिन्हें सारी सृष्टि को साजिया है बनाया है, महाराज कहिंदे वह सारिआं दी चिंता करता है। ना कर चिंत चिंता है करते जो दे जल थल जनता सब ते। महाराज कहिंदे वह सारी सृष्टि विच जी जान तो ने पैदा किए है तो वह सारिआं नू रोजी रोटी दिंदा है। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो कथन करते हैं ना कि दीनन की प्रतपाल करै नित संत उभार गनी मन गारे, पस पशु नग नाग नरातप सर्व समय सब को प्रतपार। पोखत है जल मैं थल मैं पल मैं कल के नहीं कर्म बिचारे, दीन दयाल दयानिध दोखन देखत है पर देत न हारे। परमेश्वर ने सानू बाच बनाया, पहला साड़ी रोजी रोटी जड़ी इस संसार ते उन्हें कली है। महाराज बचन करते हैं कि बच्चा बार विच आउंदा है पर उहदा जिहड़ा रिजक है माता दे राही उहदे अस्थना विच पहला महाराज दुध जिहड़ा भेज दिंदे आ। महाराज कथन करते हैं कि पहलो दे ते रिजक समाहा पिछों दे ते जंत उपाहा। पहला संसार विच परमेश्वर ने रिजक घल्लिया है, उस तो उपरंत जिहड़ा है जीव जंत पैदा किए ते उन्हें सब पता है भी किहनू किस समय किहड़ी शै जिहड़ी है देनी है, कित्थे जिहड़ा जीव बैठा है उहनू रिजक कित्थे देना है। ये परमेश्वर की जिहड़ी खेड है। तो यह भी है भी जिस वेले वह अपने दया के घर में आता, जिस वेले रोजी रोटी की गल आती है, परमेश्वर औगण भी नहीं तकता। असी जीव जिहड़े हाँ इतने गुनाह करते हैं पर रब के दर तो कदे भी रोजी रोटी आनी बंद नहीं हुई, पर जिस वेले ये खेड बंदे दे हाथ में आई उस वेले बंदे ने जरूर पक्षपात किया है। एक बार की गल है, आंदे किसी ने रब की भगती की, उन्हें रब न बड़ा खुश किया प्रसन्न किया, वह दरगाह गए, परमेश्वर ने पूछा भी दस भला तेनों की चाहिए है। तो उस वेले जिहड़ा है रब जी जिहड़ा है सारी कायनात विच रोजी रोटी की सेवा निभा रहे सी। इस इंसान ने आख्या रब्बा इंज कर तुसी जिहड़ा है जे त्रुटे हो ना मैं तुहाडी मदद कर दिंदा हाँ। रब जी कहिंदे दसो मंग की मंग है तेरी भाई, आंदे तुसी दुनिया नू रोजी रोटी वंड रहे हो ते इंज करो ये रोजी रोटी जिहड़ी है अज मैं वंड दिंदा, एक दिन लई रोजी रोटी वाला काम मैनू सौंप दिओ, तुहाडा काम भी सौखा हो जाएगा। रब जी कहिंदे पर एक शर्त है, गल ध्यान विच रखी भी जिस वेले रोजी रोटी वंडनी है ना कोई जीव रहना नहीं जे चाहिए, क्योंकि परमेश्वर दयालु सुभा दे मालक ने। महाराज जी ने आख्या है कि परमेश्वर दया का घर है, तो रब जी ने आख्या भी बंदिया तू है रब का बंदा, तू ये सेवा निभाएगा पर याद रखें भी किसी नू छड़ी ना, कोई रहना नहीं जे चाहिए। कहिंदे ठीक है। इन्हें सवेर तो लैके शाम तक जी जिन्हों जिन्हों रोजी रोटी पहुँचाई सी उन्हों रोजी रोटी पहुँचाई है, पर एक बार की होया कि जो रोजी रोटी वंड रहा की वेख्या शमशान घाट में एक इंसान है बड़ा ही जड़ा है वह कुकर्मी है, वो उत्ते वाशनावान इनिया कु हावी ने कि वह कबर के मुरदे क्ड क्ड के उन्होंने नाल जड़ा है वह अपना व्यभचार कर रहा है। इन्हें वेख्या भी इन्ना भी कोई गिर सकता है, कबरां दे विचों कढ कढ के जिहड़ा है लाशां दे नाल व्यभचार करे। इन्हें जी वो ते बड़ा जिहड़ा है गुस्सा जिहड़ा है कीता, मन विच हरख कीता, ते की होया कि इसने उन्हूं रोजी रोटी नहीं दिती।
शाम नूं परमेशर दे नाल गलबात हुई, राबता कायम होया। दस्या गया भी भाई तैनूं रोजी रोटी का काम दिता गया सी कि सारिआं नूं रोजी रोटी पहुँचा दित्ती है। आखिया हाँ जी रब जी, सब नूं जिहड़ा है रोजी रोटी दे दित्ती है, पर एक नूं नहीं दित्ती। कहिंदे ओह किहनूं छड्ड दित्ता तूं? आख्या भी फलानी थां ते कबरां दे विच इक इंसान सी, उहदे कर्म बड़े भैड़े सी। आख्या की कीता उहने? रब जी उहदे कर्म इतने को भैड़े सी कि उह कबरां विचों मुरदे कढ कढ के विचार कर रिहा सी, ते जिहदे करके अज मैं उहनूं प्रशादा नहीं दित्ता। रब जी ने हस के आख्या, बंदिया करती ना उही गल, मैं उहनूं पिछले 20 सालां तों वेख रिहा वां, उह इही कारज रोज़ करदा है, पर अज तक कदे उहदी रोजी रोटी नहीं बंद कीती। तूं अज पहले दिन ही उहदा इह माड़ा कम वेख लिया, ते अज पहले दिन ही उहदा रिजक मार दित्ता। ये साड़ी बंदियां दी गल है। असीं जदों भी ताकदे हां उहदा औगुण ताकदे हां, जदों भी किसी नूं वेहने हां उहदा औगुण ताकदे हां, पर परमेशर एडा को दयालू ते कृपालू है। जीव सारी जिंदगी गुनाह करदे आ, पर फिर भी इन्हां गुनाहां नूं बख्श लैंदा है। जीव सारी जिंदगी जिहड़े है गुनाह करदे ही रहिंदे आ, पर रब बख्श लैंदा है। महाराज ने तां इत्थों तक वचन कीता कि जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगुण हमारे, दया करो किस मेहर उपावो, डुबदे पत्थर तारे। साढ़े विच बेअंत औगुण असी भरे पए औगुणा दे नाल, पर परमेशर साढ़े औगुण नहीं चितारदा। जिदणों दया दे घर विच आउंदा, महाराज कहिंदे औगुण को ना चितारदा गल सेती लायक। जदों उहनें सानूं गल नाल लाउणा है, साढ़े औगुण तक नहीं वेखणे। इस करके जे सानूं परमेशर ने किसी भी अहुदे ते कोई सेवा बख्शी है, किसी भी अहुदे ते असी विराजमान हाँ, किसी भी पद ते असी सेवा निभा रहे हाँ, तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की एक गल याद रखिए कि असी जदों भी किसी नाल सांझ करनी है, वह गुणा की करनी है। सांझ करी जा गुणा केरी, तो जिथे औगुण आ गए, मारे कहिंदे छोड़ औगुण चली है, उत्थे अगले दे औगुण ना चितार, उहदे औगुण उत्थे ही छड़ दे। सगों तू अपना परमेशर वाला जिहड़ा दयालु सुभाव वाला गुण, इहनूं अख्तियार कर कि सारिआं नाल गुणा की सांझ करनी है। परमेशर ने सानू जिस जिस पद ते सेवा बख्शी है, उत्थे असी वह अपनी सेवा निभाइए। अपनी सेवा निभाउंदे दूजे दे औगुण ना चितारीए, सगों गुणा की सांझ करिए। सतगुरु जी कृपा करन, सानू गुरबाणी की सोझी आ जाए। समत महाराज बख्शिश करन, बख्शो असीस, बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।